एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा वेब ऐप पेन टेस्टिंग टूल्स की सीरीज चल रही थी। अभी तक हमने 6 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। लास्ट लैब जो हमने की थी वो एक्सएसएस अटैक पे की थी, जो हमने परफॉर्म किया था एक्सएसएस टूल के थ्रू। तो आज की जो लैब है वो भी हमारी एक्सएसएस अटैक पे ही है, पर थोड़ी सी डिफरेंट होगी। डिफरेंट वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे हम आज, और टेक्निक भी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो आज का जो लैब का नेम है वो है ऑथेंटिकेटेड एक्सएसएस अटैक विथ एक्सएसएसर टूल। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने इस टूल के बारे में डिस्कस कर ही लिया है। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और वो वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको उसमें कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पर इस वाली वीडियो को देखने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी लास्ट वीडियो देखो, जिसमें मैंने इसमें बेसिक से आपको बताया है, कमांड को भी एक्सप्लेन किया है, जो भी हमने कमांड्स यूज़ की थी। क्योंकि ये CLI टूल है, तो इसमें हम पेलोड क्रिएट करते हैं। जो एक्सेसर जो ये टूल है ये एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी को डिटेक्ट करता है और एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, जब भी कोई पेन टेस्टर किसी भी वेबसाइट पे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम इस वाले टूल का यूज़ किया जाता है, जिससे हमें एक्सेसेस अटैक के बारे में पता चले कि वो जो वेब एप्लीकेशन है वो वल्नरेबल है इस अटैक के या नहीं। तो जो हमारा लैब डिस्क्रिप्शन है, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग टूल्स कैन प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल व्हाइल परफॉर्मिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इन दिस लैब वी विल टेक अ लुक एट हाउ टू यूज XSSR टू परफॉर्म एन ऑथेंटिकेटेड XSS अटैक ऑन द बी वेब वेब एप्लीकेशन। तो अभी तक हमने जो वेब एप्लीकेशन यूज की थी वो था म्यूटुअल डे वास की एक वेब एप्लीकेशन है वो। तो आज जो है वो है बीवेब वेब एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के बारे में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इससे हमने बहुत बार लैब्स भी किए हैं। तो इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इस एप्लीकेशन के बारे में। ऑब्जेक्टिव जो हमारा होगा आज का वो है परफॉर्म ऑथेंटिकेटेड XSS अटैक ऑन द वेब एप्लीकेशन विथ XSSR टूल। ठीक है, प्रोनंसिएशन इसका यही होता होगा, XSSR टूल जो है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। तो सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ये भी लास्ट लैब की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो सबसे पहले हमें IP फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए IP ADDR। तो मेरी जो IP है मेरे सिस्टम की वो है 192.71.185.2। तो ऑटोमेटिकली जो टारगेट की है वो .3 हो जाएगी एज पर अवर लैब्स। ठीक है, तो द टारगेट मशीन विल बी लोकेटेड एट IP एड्रेस 192.71.185.3। तो अब रन करते हैं nmap अगेंस्ट टारगेट IP। तो nmap -s capital B स्पेस टारगेट का IP पेस्ट कर लेते हैं। देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हमें ओपन मिलते हैं। सो पोर्ट 80 एंड पोर्ट 33606 आर ओपन। अपाची चल रहा है एक में 2.4.7, एक में MySQL चल रहा है 5.5.47। ठीक है, तो ये वर्जन भी हमें फाइंड आउट हो गए क्योंकि हमने -s capital V फ्लैग का यूज किया था। तो यहाँ तक तो हमारा फाइंड आउट हो गया, nmap का हमारा आउटपुट आ गया है। अब हम एक्सेस करेंगे वेब एप्लीकेशन यूजिंग फायरफॉक्स। तो उसके लिए हम या तो यहाँ से कर लेते हैं फायरफॉक्स स्पेस http://, हमारा टारगेट का IP यहाँ पर पेस्ट करेंगे .3, एंटर कर देते हैं। तो ये फायरफॉक्स हमारा बी वेब एप्लीकेशन हमारी एक्सेस हो गई। तो अब हमें पता चला टारगेट एप्लीकेशन इज रनिंग बी वेब, लॉगिन टू द एप्लीकेशन यूजिंग बी एंड बग, दीज आर द डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स। तो उसमें बी बग
ये इसके लॉगिन क्रीडेंशियल्स हैं, तो इसको लॉगिन कर लेते हैं हम, डॉन सेव। तो ये हम लॉगिन कर लिए हमने बी वेब एप्लीकेशन में। तो अब क्या करना है, हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से हमें HTML इंजेक्शन सेलेक्ट करना है। ये है HTML इंजेक्शन रिफ्लेक्टेड कैट एक्सरसाइज को सेलेक्ट करेंगे। तो ये सेलेक्ट कर लिया हमने, तो इसमें अब आपको दिख रहा होगा हमारे पास चेकबॉक्स दिए हुए हैं, सॉरी हमारे पास इनपुट फील्ड्स दिए हैं, फाइल नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो एंटर एनी वैल्यू टू द फॉर्म, जस्ट लाइक एग्जांपल हम जैसे हेलो लिखते हैं, तो फिर इसका आउटपुट देखते हैं बस, हेलो गो करेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा URL एक आ गया, ये हमें URL दिख रहा है यहाँ पर। तो इसमें क्या करेंगे हम, मैं फिर आपको दिखाता हूँ, देखना पहले इसको रिफ्रेश कर देते हैं, बैक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो हेलो यहाँ डाला, यहाँ पर भी हेलो डाल देते हैं, और अब URL में यहाँ पर चेंजेस होगा। यहाँ पर आ गए हेलो हेलो, दो वैल्यू हमने डाली थी हेलो हेलो, ठीक है। तो ये हमारी आ गई। अब क्या करना है, हमने कॉपी कर लेते हैं URL को, कंट्रोल सी कर लिया, तो हमारे पास URL आ गया एक अब, ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ हो गई हमारी जो हमने एप्लीकेशन में करना था। अब क्या करना है, हमने एक्सेसर टूल की हेल्प से अब हमें परफॉर्म करना है ऑपरेशन। तो इसको मैं डाउन कर देता हूँ, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, ये ओपन कर लिया। जो टूल है वो है ये, हमारे पास सारे फ्लैग्स अवेलेबल रहते हैं, अगर हम एक्सेसर स्पेस हाइफन हाइफन हेल्प करेंगे तो हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है, कॉन्फ़िगर करनी है अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र टू यूज़ बब शूट प्रॉक्सी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाते हैं, फॉक्सी प्रॉक्सी को हम ऑन कर देते हैं, और यहाँ पे जाके वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में जाके बब शूट को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये स्टार्ट हो गया हमारा बब शूट। नेक्स्ट स्टार्ट बब शूट, ओके, प्रॉक्सी में गया मैं, इंटरसेप्ट ऑन है मेरा। अब एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इंटरसेप्ट हमने रिक्वेस्ट कर ली, ठीक है। तो आप देख रहे होगे इसमें गेट रिक्वेस्ट है, ये फर्स्ट नेम हमने हेलो डाला था, लास्ट नेम हमने हेलो डाला था, ठीक है। तो यहाँ पर से अब हमें क्या करना है, ये चीज़ उतनी लेनी है इस बार, लास्ट टाइम हमने भी जब रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट की थी वहाँ से वैल्यू उठाई थी हमने, ठीक है। तो यहाँ टारगेट होस्ट की वैल्यू थी, तो यहाँ पर से हमें इस बार कुकीज़ की वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो चलिए फिर URL हमारा आई थिंक कॉपी है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, URL कॉपी है, फिर हम उसके बाद कुकीज़ की वैल्यू यहाँ पर से कॉपी करेंगे। तो तब तक हम URL और कुकी को फीड करते हैं हमारे एक्सेसर टूल में स्कैनिंग के लिए। तो जो हमारा कमांड जो हमारी बनेगी वो है एक्सेसर हाइफन हाइफन URL, जो हमने लास्ट टाइम देखा था, स्पेस, यहाँ पे URL हम अपना पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट कर लिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर लेते हैं, स्पेस हाइफन हाइफन कुकी कर लिया हमने, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे हम कुकी पेस्ट कर देंगे अपनी, सॉरी बब पे जाते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और अपनी कमांड पे यहाँ पे कुकीज को पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुकीज़ भी हमने पेस्ट कर ली है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, अब हमें फर्स्ट नेम में जो वैल्यू थी हेलो उसको रिप्लेस करना है मुझे एक्स
SS से, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आप लास्ट वीडियो जाके देखिएगा, इसलिए मैंने डिटेल वे में वो बताई थी। तो इसमें चले जाते हैं, अपने वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ मैं, फर्स्ट नेम में जो हेलो था इसको चेंज करके XSS कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वैल्यू सेम रहेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कमांड को, एंटर कर देता हूँ मैं, ये स्टार्ट हो गया मेरा टूल। सो नाउ वी हैव फाउंड द पेलोड विच इज 100% एक्यूरेट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इंजेक्ट हमने एक किया था, सक्सेसफुल रहा, एक्यूरेट रहा 100%, ठीक है। और स्टेटस है XSS फाउंड, पेलोड हमारा ये है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम स्कैन करेंगे टारगेट को यूजिंग बेसिक XSS पेलोड, जो एक बेसिक XSS पेलोड होता है जिसमें हम स्क्रिप्ट टैग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, उसके बीच में हम अलर्ट को कॉल करते हैं, ठीक है। तो वो वाला हम यूज़ करेंगे। तो इसमें हम वही सेम कमांड यूज़ करते हैं, ये यहाँ तक तो कमांड सेम रहेगी। स्पेस कर दूंगा मैं, स्पेस करने के बाद आपको याद होगा लास्ट में हमने FP यूज़ किया था, स्पेस डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर स्क्रिप्ट टैग ओपन, फिर उसके बाद हम लिखते हैं अलर्ट स्क्रिप्ट टैग क्लोज। ये हो गया हमारा जो नॉर्मल हमारा एक बेसिक पेलोड होता है XSS का, ठीक है। तो इसको एक बार हम रन कराते हैं। ये देखिए, ये भी हमारा आ गया। अब क्या करना है, हमने बेसिक पेलोड भी यूज कर लिया है, XSS फाउंड है। अब हम क्या करेंगे, टर्न ऑफ कर देंगे बर्ब शूट के इंटरसेप्ट को और ओपन करेंगे फाइनल अटैक लिंक को फायरफॉक्स ब्राउजर पे, ठीक है। तो उसके कैसे करेंगे, जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये जो है ना पेलोड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसे कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ओपन करना है। उसके लिए क्या करूंगा, मैं पहले बर्ब शूट के इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं और वापस इसमें जाते हैं, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, और हम जो पेलोड हमारे पास आया था उसको कॉपी करते हैं और एंटर करते हैं। कुछ चीज़ गलत हो गई है, आई थिंक गलत कॉपी कर दिया शायद मैंने, एक बार देख लेते हैं फिर से। इसको कॉपी करते हैं, तो एक बार मैं अपना फर्स्ट नेम से एक बार कॉपी करके देखते हैं। वीवैप एप्लीकेशन में जाता हूँ मैं, एक नई ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर करता हूँ मैं। तो इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो जा रही है, एक बार देखते हैं इसको क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला नहीं, फाइनल वाला देखना था हमने, फाइनल अटैक कर देते ना हम। ये पेलोड तो मैं तब यूज करता जब मैं बर्ब शूट पे इसको इंसर्ट करता, जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, ठीक है। तो चलिए फिर जाते हैं अपने इसमें बर्ब पे, नहीं सॉरी फायरफॉक्स में, इसको क्रॉस करके एंटर। ये देखिए, हमने जो फाइनल अटैक से वैल्यू उठाई थी, सो वी हैव ट्रिगर द XSS वल्नरेबिलिटी सक्सेसफुल। तो इस तरीके से ये लैब हमने यूज की, ठीक है, जो हमारी लैब का नाम था ऑथेंटिकेटेड
XSS अटैक विथ XSS टूल। तो लास्ट में हमने वो वैल्यू जो पास करवाई थी अलर्ट वन करके, वो हमारे वेब पेज पे रिफ्लेक्ट हो गई। और यही चीज़ होती है हमारे जब हमारा रिफ्लेक्टेड XSS हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।